गुलशन मैदान की। ये वो गुलशन मैदान है लगभग जिन्होंने 10 बार इस पूरे गांव की सफाई और शिक्षा पर ध्यान दिया, उन सभी को धन्यवाद। आज है और मेरे साथ है गुलशन प्रधान जी, जिनसे मैं जानूंगा कि क्या बड़ी वजह रही है इसको देखते हुए भगवान की सर जमीन पर इस तरह से ये लोग ग्राम प्रधान गुलशन की मोहब्बत में इकट्ठा हुए हैं और आगामी चुनाव का जो बिगुल है वो कहीं ना कहीं बच चुका। ग्राम पंचायत को गुलशन प्रधान द्वारा दिए गए हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी और किस तरीके से गुलशन प्रधान आगे विकास कार्य करेंगे, उन सभी को जानने के लिए एक बार विस्तार से हम लोग गुलशन प्रधान के पास चलते हैं और जानते हैं गुलशन प्रधान जी की जनता, जो जनता आज गुलशन प्रधान की मोहब्बत में यहाँ इकट्ठा हुई है, अगर गुलशन प्रधान को वो प्रधान बनाते हैं तो क्या गुलशन प्रधान के विकास कार्य रहेंगे। प्रधान जी, मेरा सबसे पहला सवाल, जनता अगर आपको 5 साल देती है, लगभग 10 साल जनता आपको दे चुकी है, तो आगे के आपके जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे और क्या विकास कार्य गांव के बीच किए जाएंगे? मेरा सर्वप्रथम मुद्दा जो है विकास का जी, विकास के लिए भी गाँव में जी मेरे से पहले गाँव में बहुत गाँव वालों की प्रावधान को दोबारा मिल गया इंशाल्लाह, गाँव जनता में बहुत विकास करेंगे, सड़कें, राइट, खेल का मैदान सब कुछ होगा। और मैं अगर प्रारंभ शाह जनता ने मुझे मौका दिया तो जो गाँव की हमारी एंट्री थी वे हमें चकाचौंध करनी है, जैसे अनुसार गुलशन प्रधान जी, मैं जानना चाहूंगा लगभग 10 वर्ष की योजना जो पीछे आपने बीत चुकी है उसमें काफी विकास कार्य देख सकते हैं, हर गली देख सकते हैं, हर चौराहा देख सकते हैं, काफी विकास कार्य, क्योंकि अब से लगभग 5 साल पहले जब मैंने यहाँ पर देखा तो बड़ी हालत नाजुक थी और अभी अगर देखें तो बड़ी हालत में सुधार है, तो क्या मैं जानना चाहूंगा इस वक्त गाँव के अंदर क्या फीचर करने का निर्माण हुआ है? जी अभी तक नहीं हुआ लेकिन प्रस्ताव गया हुआ है, सर्वे हो चुका है, तो आगे की योजना अगर आपको मिलती है जनता आपको सहयोग करती है तो क्या पेयजल टंकी का निर्माण हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा इस वक्त यहाँ पर जो समस्या तालाबों की उत्पन्न हो रही है, प्रधान जी लगभग 10 वर्ष की योजना जो चली गई वो नदी को ठीक करने में चली गई, पिछले 5 साल जनता आपको देखती है तो क्या तालाबों की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी? दो तालाब दो पर हमें पाइपलाइन लगाना एक तालाब पर नहीं, उस पर हम तुरंत होते ही पाइपलाइन की व्यवस्था करेंगे, कनेक्शन यानी कि निकासी की पाइपलाइन में रास्ता है यहाँ पर। साथ ही साथ प्रधान जी मैं जानना चाहूंगा जिस तरीके से आपने बताया अभी जनता के बीच आपने जनता को बताया कि मैं चाहता हूँ पूरा गांव आपका सीसीटीवी कवर किया जाए, तो क्या सीसीटीवी पर सच में हम लोग विकास कार्य करने जा रहे हैं? बिल्कुल विकास कार्य किया जाएगा, बिल्कुल लगभग 5 साल में सीसीटीवी गांव को दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे, मेरी बात बेहतर रहेगी, मैं जानना चाहूंगा ये जनता आपके पीछे इतनी जनता मुझे दिखाई दे रही है, इस जनता को आकर्षित करने का क्या कारण है? क्योंकि जनता क्या होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता कैंडिडेट को कहीं ना कहीं बुरा भला भी कहती है, जनता उठ भी जाती है। जब तक अगर बात करें तो आपकी दो योजनाएं पूरी हो चुकी है, दो धर्मशाला सेवा के लिए मेरा जीवन ही और मैं ना लेता हूँ वर्कर की तरह काम करता हूँ, कोई कुछ कह रहा है मुझे सब फर्क नहीं पड़ता, कोई भेदभाव नहीं है, हर